रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वरदा शुएब और एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ आपको आपके अपने शो रिवायतों की लज़त में, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं नित नई रेसिपीज बनाना कि जैसे आप उसको झटपट बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं, कैसे किसी रिवायती तरीक़ों से बना सकते हैं। आजकल की जो हमारी ज़िंदगी है उसे मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो ख़वातीन हैं वो जॉब भी करती हैं, वर्किंग लेडीज़ भी हैं और घर भी संभालती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें टाइम की कमी होती है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएं भी, अच्छे से अच्छा पकाएं भी और डेली जो है कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर करें वो रेसिपीज़ जो झटपट भी बन जाए, टेस्टी भी हो और बनाने में भी आसान हो, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना लगे। ऐसे ही आज की एक रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हमारी गेस्ट हैं आज, उनकी वो स्पेशलिटी है और उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। यूजली लोग उसको बनाने में घंटों लगा देते हैं, तो इसकी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं अपनी गेस्ट को भी इन्वाइट कर लेती हूँ, फिर मिल के हम बात करेंगे इस बारे में। तो जनाब, मैं इन्वाइट करूँगी हमारी बहुत ही बेहतरीन गेस्ट, वो बहुत अच्छी एक कुक भी हैं, बहुत स्मार्ट हैं माशाल्लाह से, उनसे मुझे कुछ राज भी पूछना है उनके बारे में। जनाब आइए, बुलाते हैं फातिमा अज़हर को। अस्सलामुअलैकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो भैया आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह टचवुड, आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? कोई कह सकता है कि माशाल्लाह से इनके चार बेटे हैं और बड़ा बेटा माशाल्लाह से इनका इतना बड़ा है कि वो पढ़ने के लिए कनाडा जा रहा है। जी, अरे यार, बताएं माशाल्लाह। बस मेरे लिए कहने का ये है कि बस खुश रहा करें, खुशियाँ जो है बांटा करें, बस जो खुश रहेगा ना उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ेंगी ना वो परेशान होगा। जिस हाल में अल्लाह ताला ने भेजा है बस उसमें खुश रहें। खुश तो रहें, लेकिन नहीं, ये कुछ और भी है, ये आपकी आपकी इंटरनल ब्यूटी का राज क्या है जो आपके माशाल्लाह से आपके फेस पे माशाल्लाह जो मैं लिख के देने को तैयार हूँ। जब मैंने को देखा उन्होंने मुझे बताया, आई वाज लाइक व्हाट, मैंने कहा मुझे टिप्स लेनी चाहिए यार। सही बात है, बस माशाल्लाह ताला आपको नजर से बचाए और हमेशा आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे, आप भी खुश रहिए और आपकी ब्यूटी को और एनहेंस होती है। थैंक यू वेरी मच। जैन जनाब, आप मुझे बताया कि आपने बहुत थोड़ी सी ट्रिकी और लेंथी रेसिपी चूज करी है, आप बताएं पहले हमारे व्यूवर्स को कि आप क्या बना रही हैं, मैं आज में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, मैं आज बना रही हूँ पंजाबी, जो कि ये वैसे पंजाबी है, ये डिश है पंजाबी कढ़ी, क्या वैसे तो कढ़ी कहते हैं, पकौड़ा कढ़ी, लेकिन पंजाबी कढ़ी होती है। अच्छा, कढ़ी को वैसे जो है वो काफी तरीकों से ही बनाया जाता है, कोई सिंधी कढ़ी भी बनाता है, गुजराती भी होती है, और ज्यादा मेरे ख्याल से डेजर्ट साइड ज्यादा निकली है क्योंकि वहाँ पे दही जल्दी खट्टा हो जाता था, पानी की कमी होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें पकौड़े भी डालेंगे? बिल्कुल, इसमें पकौड़े अलग से बनेंगे, पहले तो मैं कढ़ी बनाना सिखाऊंगी। हाँ, शुरू करें, बना के लाई हूँ। चावल तो मैंने पहले से, हम चावलों के साथ इसको खाते हैं, चावल मैं घर से बना के लाई थी। सही। अच्छा, कढ़ी के लिए जो है हम ये करेंगे कि दही ले लेंगे आधा किलो। अच्छा। और उसमें 7 चम्मच गिन के, जो टेबल स्पून होते हैं घर में जो आम खाने, हाँ, खाने का चम्मच है, 7 चम्मच बेसन के डालेंगे उसके अंदर। सही। और अगर आपके पास ब्लेंडर है घर में तो आप उसको ब्लेंड कर लें, ब्लेंडर में डाल के जो अच्छी तरह से उसके अंदर रच बस जाएगा। उसमें 1 चम्मच नमक लेना है रवायती जो है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सब इसी में मिक्स करके, जी मैंने मिक्स करके रख लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह से बैटर बन जाएगा। अब इसको आपको एक बार बताऊं कि ग्राइंड करने से क्या होता है कि लंप्स नहीं पड़ते, अक्सर कड़ी में जो गुठलियां आ जाती हैं बेसन की वजह से, अगर आप उसको ग्राइंड कर लेंगे तो उसमें लंप्स नहीं पड़ते, गुठलियां नहीं आती, वो इजीली जो है वो ब्लेंड हो जाता है बहुत आसानी के साथ। और इसको फिर आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है, साथ साथ चढ़ाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये हमने पहले से जो है आधा किलो दही में 7 चम्मच बेसन, नमक, मिर्च और हल्दी डाल के ग्राइंड करके, अच्छा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया इसमें, सही, वो भी डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्टली हम, अच्छा डायरेक्टली जी डायरेक्टली डाल देंगे इसमें। अच्छा। पानी की बहुत जरूरत होती है क्योंकि लंप्स ना पड़े, वो ख्याल रखना पड़ता है। सही सही। तो अब मैं इसको डालने लगी हूँ। थैंक यू। और इसमें पानी आपने अंदाजन डालते रहना है कि लंप्स ना बने, जब तक उबाल नहीं आ जाएगा कड़ी में। तो अब आप इसमें और मसाले डालने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं डालना, अब आपने जो काम करना है वो पकौड़ों पे करना है। तो ये बस ही कड़ी बनती चली जाएगी। जी, ये देखिए ना, ये तो एक टाइम के बाद इसका रंग आ जाएगा बिल्कुल, जब ये पकेगी तो खुद खुद वो रंग आ जाएगा कड़ी का, और उसमें पकौड़े आप डाल दें बस। अब ये थोड़ा सा हमें इसको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उबालने में उबलने में टाइम, कवर कर देंगे तो आई थिंक उबल जाएगा जल्दी। अच्छा, मुझे ये बताएं, कढ़ी में अक्सर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पकोड़े हार्ड रह जाते हैं या पकोड़े अंदर से जो है वो उसमें गुठली रह जाती है, पकोड़े सॉफ्ट नहीं होते, तो क्या
सोडा डाला करें आप, मैं सोडा लेकर आई हूँ, ये सोडा जरूरी होता है। सोडा डालने के बाद भी जो है कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि गुठली रह जाती है। डिपेंड करता है बेसन आप कौन सा यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल लम्स नहीं पड़ेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए हम देखते हैं कि आपका तरीका भी बनाने का कैसा, ताकि हम आपसे टिप्स भी लें और साथ साथ अपने व्यूअर्स के साथ भी हम शेयर करें कि अगर आप इस तरह से कढ़ी बनाएंगे तो क्विक बन जाएगी और पकौड़ों में भी जो है वो लम्स नहीं पड़ेंगे। और कढ़ी बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश है, इसको जब तक मैं चलाती रहती हूँ पकौड़ों की तरफ आ जाए, पकौड़ों की तरफ आ जाती हूँ थोड़ी सी। मैंने कहा चलो इतने टाइम बाद मैं भी थोड़ा सा जो है वो कहते ना कि वो शहीदों में नाम लिखवा दूँ, उंगली कटा उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दूँ, चम्मच चला के मैं भी बिल्कुल आती होगी कढ़ी पकानी। हाँ लेकिन देखिए मेरी रेसिपीज जो है वो अलग है, मैं बनाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। पानी थोड़ा सा जी जी डालते रहिएगा, पानी मैं डालती रहती हूँ उसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि गाड़ी होना जी जी गाड़ी होना शुरू। आप मुझे बताएंगी कहाँ स्टॉप करना, इस वक्त मैं जो है वो एक बहुत ही नल स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं नहीं जैसे आप मुझे कहेंगी मैं वैसे वैसे करूँगी। नहीं इसको आप सही है बिल्कुल, काफी और डालूं पानी, थोड़ा सा और डाल दें। वैसे तो जितना पानी उबाले तक रहेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद उसको थोड़ा पकने देंगे ना, तो पानी का कंसिस्टेंसी फिर आप बाद में अपने एडजस्ट कर सकते हैं। अभी और पानी डालूं जी? डाल लें आप, मुझे बताइए बस, आप मुझे स्टॉप कहेंगे बस बस ठीक है। अब इसको आप पकने दें थोड़ा, बस ये है इतना इंतजार करेंगे जब तक उबाला नहीं आ जाएगा, आप हाथ चलाते रहें क्योंकि फिर लम्स पड़ जाएंगे। ये एक सिखाने वाली बात है, एक ये टिप हम जो आपका शेयर कर रहे हैं कि आपने उस वक्त तक इसको चलाते रहना है जब तक इसमें उबाला ना स्टार्ट ना हो जाए, वरना लम्स पड़ जाएंगे। जब उबाला आ गया तो आपने ढक के उसको पकने छोड़ देना है, धीमी आंच 15-20 मिनट जैसे आपने, क्योंकि वो एक रंग आ जाता है कढ़ी का वो पक जाती है। अच्छा इसमें तेल भी अभी हमने इसमें नहीं, वो तेल तो एंड में भगाड़ लगता है जी, सिर्फ पकौड़े बनेंगे आप इसमें डाल दें। मैं आपको बताऊंगी, मेरी अम्मी जो है वो माशाल्लाह एक टीचर थी। एक मिनट फातिमा, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि वक्त हो गया है इस वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिवायतों की लज्जत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और हम बना रहे हैं यहाँ पे कड़ी। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले फातिमा कुछ कह रही थी तो मैंने इनको रोक दिया था कि हम कंटिन्यू करेंगे, तो जी बताइए फातिमा क्या कह रही थी। बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि ये क्विक कड़ी मैंने अपनी मदर से बनानी सीखी है, क्योंकि अच्छा। वो जो थी एक टीचर थी, अराउंड 27-28 ईयर्स उन्होंने टीचिंग की है। अच्छा, तो उनका यही होता था कि वो जब भी स्कूल से आती थी तो वो क्विक चीज़ें बनाती थी, हम भी हैरान होते थे। एक तरफ वो रोटी बना रही होती थी, एक तरफ वो सालन भी गरम गरम बना रही होती थी, मीन्स गोश्त अलग से फ्रीज करके रखा हुआ गला के, बस जल्दी से प्याज भूना और उसमें कोई भी जैसे हांडी बनानी बना दी। कड़ी भी उन्होंने इतनी ही जल्दी उन्होंने सिखाई है हर चीज़ की, भाई 7 चम्मच डालने हैं, इतनी दही डालनी है, ये दिखाना हो तो ये उबाल आ गया, आप देख ले मैंने फ्लेम जो है वो स्लो कर दिया, इसको कवर कर देना है, क्या करूं? कर दे, बस थोड़ा सा भी देख लेंगे ऊपर, थोड़ा जब बैठ जाए तो फिर दे दें, क्योंकि वो गिरने का डर होता है। हाँ चले सही, आप देखें करें जी, कैसे करें ताकि मैं बताएं मुझे जी, ये पूरा ना जब पूरा कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिरने वाला होता है, तो फ्लेम थोड़ा हल्का कर दें सही, और उसको देख लें जब तक बैठ जाए, फिर आप उसको ढक दें, जब बैठ जाएगा तो उसको कवर करके जी फिर पकने दो बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब अभी हम क्या करेंगे इसमें, बेसन ये आपने पकौड़ों के लिए लेके रखा हुआ है जी बिल्कुल। अच्छा इसमें अब क्या क्या ऐड करेंगे ताकि आप इसमें मिलाना शुरू करें, इसमें जैसे आप रिवायती पकौड़े बनाते हैं आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर उसको चटपटा भी बनाना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसको हम कवर कर दें, आई गेस ये हो गया है जी, उबाल नहीं आएगा, गिर ना जाए, मुझे बस ये डर है। चलिए मैं देख रही हूँ उसको खड़ी होकर, ठीक है आप आ जाए आप पकौड़े बनाए, मैं कवर कर देती हूँ, मैं ध्यान भी रखती हूँ इसका बिल्कुल, थोड़ा सा काम मैं भी कर लूँ, बिल्कुल ही मैंने जान छुड़ा ली अपने भाई, यहाँ मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप भी अपना काम कर रही हैं। नहीं नहीं अच्छा अच्छा, पकौड़ों के लिए जी आप जो नॉर्मल होती हैं चीजें, हम लोग धनिया पुदीना भी डालते हैं और प्याज भी डलेगा इसमें सही, और आप थोड़ा सा डाल दीजिए बिल्कुल, बिल्कुल। कितना बेसन लिया है आपने? ये बेसन तकरीबन मैंने अंदाजा नहीं लिया है इसमें, मैंने कुछ ज्यादा, क्योंकि अभी हम पकौड़े जो है ज्यादा कप ये 2 कप 2.5 कप लग रहा है जी, ज्यादा है ये सही है, 2 से 2.5 कप जी, मुझे इसके लिए पानी भी चाहिए होगा सही, ये रहा पानी। अब इसमें हम नमक डालेंगे अपने अंदाजे से, ये अंदाजन बनाएंगे आप हसबे जायका जी, जितना बेसन है उस हिसाब से, आप जैसे कि नॉर्मल पकौड़े तो हमारे साथ हुआ ना कि चाय के साथ तो पकौड़े, बारिश की तो बूंदे टपकी तो पकौड़े, कोई ना नहीं कहता पकौड़ों को, जब भी बनाना शुरू करें। आलू वाले पकौड़े तो मेरे फेवरेट, बहुत फेवरेट है। तो जब ये सादे पकौड़े बनते हैं प्याज वाले, तो आलू पकौड़े बनना मस्ट जी बिल्कुल सही। इसमें थोड़ा सा सोडा भी मैं, बेकिंग सोडा जो होता है वो भी मैं डालूंगी,
थोड़ा सा जो है ना उसमें फिर पकौड़े थोड़े से फ्लफी फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएंगे, फूले फूले बनेंगे। अच्छा इसमें अभी अपने नमक, लाल मिर्च पाउडर डाला और सोडा डाला बस। अब मुझे इसको मिक्स करना है पानी के साथ। ये भी आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से देखें। आप विस्क ले लें, आई गेस आपको ज्यादा इजी रहेगा विस्क के साथ मिक्स करने में। चम्मच से हो जाएगा, चम्मच से हो जाएगा। हाँ, चम्मच से हो जाएगा। चलें, कड़ी देखिए अभी गिर नहीं रही है, कड़ी जो है वो सेटल हो गई बस। मैं डालती रहूं पानी इसमें थोड़ा सा, आप चलाती रहें इसको। सही, बस आपने चौस के अलावा और कुछ भी नहीं डाला ना? कुछ भी नहीं डाला, नहीं। धनिया अभी डालना है या अच्छा, अभी हम डालेंगे? हाँ जी, इसके बाद अच्छा, जब ये पहले हो जाएगा ना कंसिस्टेंसी आ जाएगी उसके बाद। पानी और चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा सा डालें। अच्छा पानी भी बहुत एहतियात से डालना है आपने कि ज्यादा ना हो जाए। कम हो गया तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पानी हो गया तो बेसन डाल डालें। हर चीज के लिए कहती हूँ, नमक है, मिर्च है, आप कम डाल लें, ज्यादा बाद में डल सकती है, लेकिन जब ज्यादा डाल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, का इलाज नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर वो जायका भी नहीं आता। पता है आप सही करने के लिए दही ऐड कर दें, प्याज ज्यादा डाल दें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो टेस्ट आपका कहीं ना कहीं जो है ना वो ये बड़े काम की टिप कर जाता है। थोड़ा सा और इसमें पानी चाहिए, इस बात की बस काफी सही। अच्छा प्याज आपने इसमें कितनी यूज़ करी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर पकौड़े आपको चाहिए सॉफ्ट रखना कड़ी के लिए तो आप उसमें ज़्यादा प्याज ऐड करें। ये डिपेंड करता है, वही बात है। मैं तो एक अपनी मेरी कोई मकदार है, एक प्याज बड़ा लेके। अच्छा, आपका बड़ा जी साइज। वैसे तो ठीक है, अच्छा ज़्यादा प्याज डलता है तो बहुत टेस्ट आता है, लेकिन खाली पकौड़ों में आता है ना, कड़ी पकौड़ों में तो नहीं भी डालें तो कोई ऐसा, तो उसमें कोई वो नहीं। जी चलिए, बैटर्स क्वालिटी जी बिल्कुल, ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी कैसी हो गई है, ये आपके परफेक्ट हो गए। आप देखिए कितना अच्छा मिक्स हुआ है, आपने स्लोली ग्रेजुअली उसको मिक्स किया तो इसका जो टेक्सचर है वो देखिए कंसिस्टेंसी भी चेक करिए इसकी। अच्छा अब इसमें आप क्या करेंगे, क्या अब इसके अंदर मैं चॉप करके ये धनिया पुदीना ऐड करेंगे। जी प्याज काट के रखा हुआ, ये प्याज वाली चीज है। अच्छा आपको छोटी छुरी चाहिए या बड़ी वाली? छोटी दे दे, चॉप मुझे वो करनी है। कौन सी वाली? कोई भी दे दे चलेगी, ये हमारी जबरदस्त। चले हाँ, अपनी शेफ्स नाइफ निकालते हैं ना, सबसे पहले वही हाथ में आती है। ये जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छा है कटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए, सीरियसली। लेकिन मुझे कभी इतना करा नहीं है, प्रोफेशनली नहीं करा हुआ, ये तो सारी इंडस्ट्रियल कुकिंग होती है। हाँ, जो होटल्स वगैरह में होती है। आप इसमें सही, आप प्याज भी डाल देंगी इसमें जी, और धनिया भी, धनिया पुदीना भी कट करके डाल दिया है, और इसका मतलब ये नहीं कि पकौड़ों का जो मिक्सचर है, जो बैटर है, वो कम्प्लीटली तैयार है। अब सिर्फ इसको फ्राई करना है। बिल्कुल फ्राई करना है। तो यानी कि इस वक्त ब्रेक का भी वक्त हो गया है, तो हम ब्रेक पे भी चले जाते हैं। आप डाल दीजिए इसमें, ऐड कर लीजिए। तो ब्रेक का भी वक्त हो गया है, तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में ही हम पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रिवायती पकौड़े जैसे हम फ्राई करते हैं वैसे ही फ्राई होंगे। तो जनाब कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी से वापस आइए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और हमारा किचन जो है वो फुल ऑन बिजी चल रहा है, क्योंकि हम बना रहे हैं कड़ी, जहाँ पे एक तरफ बन रही है कड़ी और दूसरी तरफ तले जा रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। और हमारी जो टीम है उसके मुंह में पानी आ रहा है, और मेरे कान में पहले ही आवाज़ आ गई है कि 2-3 पकौड़े यहाँ भेज देना। पकौड़े ऐसी चीज़ है कि आप जितने भी खा रहे हैं आपकी नीयत कभी नहीं भरती। तो जनाब अच्छा ये देखें, कड़ी जो है ऑलमोस्ट हमारी रेडी है, कंसिस्टेंसी इतनी काफ़ी है, थोड़ी सी और है, आपकी मर्जी है। देखिए हम, मुझे तो ये काफ़ी लगती है सही। हाँ कड़ी थोड़ी सी लोग पीते भी हैं, आप जी थोड़ी, और वैसे भी ठंडी होके थोड़ी सी भी गाढ़ी हो जाती है, जब पकौड़े भी इसमें आप ऐड करेंगे जितनी पतली रहेगी उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि पकौड़े जैसे डालेंगे इसके अंदर तो वो चूस लेंगे वही ना। अच्छा आप मुझे एक और बात बताइए कि आप स्टोव बंद करके पकौड़े डालेंगी या ऐसे ही पकौड़े डाल देंगी? थोड़ा स्टोव बंद करके डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा भी एक गाढ़ी होने लग रही है ना जी, तो सही है, तो मैं स्टोव बंद कर दूं जी, बंद कर दें, क्योंकि पकौड़े भी मेरे ख्याल से बिल्कुल रेडी होने वाले हैं बस। सही, स्टोव हमने बंद कर दिया यहाँ पे, और देखिए कितना खूबसूरत कलर आया, आप पकौड़े देखिए कितने फ्लफी और कितने फूले फूले बने हैं, आप प्लीज निकाल के दिखाएंगे, यम्मी। ये देखिए, ये तो मेरी भी खराब हो रही है पकौड़ों पे, यहाँ पे बात तो कर ये भी है। चले आपके लिए थोड़े से बाद में बना हम बाद में बनाएंगे, पहले जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी होती है, हम चाहते हैं हमने भगार भी लगाना है। अभी आप देखें, चले ये देखिए कितना खूबसूरत ग्लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, और ये देखिए मेरी टीम कैमरे के सामने जूम शॉट पे जो है ये आपके सामने से होते हुए पानी आ रहा है, हम कड़ी में डाल रहे हैं, ये देखिए जबरदस्त, ओए होए ओए, तो ऊपर से डालेंगे जबरदस्त।
छिटकली आएगी आपके कपड़ों पे? नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़ों पे नहीं आएगी, आप बिल्कुल डालें। ये देखें जबरदस्त जनाब। चलें जी, आप देखें कितना खूबसूरत शॉट आ रहा है इसका और कितनी जबरदस्त लग रही है, ये देखें। अच्छा, इसको कवर करना है अभी या नहीं? कर दे, कोई कवर करना है नहीं, कवर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। जी, सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके अंदर आ जाएंगे। तो कवर कर देते हैं और पैन निकाल लेते हैं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अच्छा, भगार लगा लेंगे इस पे हम। बिल्कुल, चलें भगार लगा लें। चलें, आप अब भगार में क्या क्या यूज करेंगे आप मुझे बताइए। ताकि जी, एक तो कड़ी पत्ता, आपको पता है नाम ही कड़ी पत्ता, कड़ी है पत्ता। कड़ी पत्ता डलता है सही। और साबुत मिर्च होती है और जीरा हम डालेंगे सही। और प्याज, और प्याज डालेंगे बस। प्याज है हमारे पास नीचे रखी हुई। चलें, जब तक हम प्याज कट करेंगे स्लाइस करके। जी, वैसे ही जैसे उसमें डाल जैसे। अच्छा जी, भगार के लिए हम प्याज तो स्लाइस करते हैं। आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। कड़ी अज्जा, बेसन आधा किलो, दही आधा किलो, अदरक पेस्ट एक चम्मच, नमक एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी एक चौथाई चम्मच। पकौड़ों के लिए बेसन 2 से 3 कप, लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, प्याज कटी हुई एक अदर, हरी मिर्च का पेस्ट एक चम्मच, धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच, नमक हसबे जायका, तेल हसबे ज़रूरत। तड़के के लिए घी 2 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद, साबुत लाल मिर्च 6 से 8 अदद, प्याज 1 अदद। तरकीब, कड़ी के लिए दही में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डालकर मिक्स करें। पानी डालकर आमेजा पतला कर लें और बेसन शामिल करें और मज़ीद पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक पैन में ये आमेजा डालकर उबाल आने तक पकाएं। जब उबाल आ जाए तो ढक कर हल्की आंच पर पकाएं और आखिर में तड़का लगा दें। पकौड़ों के लिए एक प्याले में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप करके डालें। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, साबुत जीरा, साबुत धनिया, नमक और बेसन डालकर मिक्स करें। अब पकौड़े तल लें और फिर ये पकौड़े कड़ी में डाल दें और चावल के साथ सर्व करें। जी जनाब, रेसिपी कार्ड आपने नोट कर लिया। आपका मोबाइल हमारे पास इतनी अच्छा गैजेट आ गया है, आपने नोट करने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट पिक्चर क्लिक करी और रेसिपी आपके मोबाइल में सेव। तो जनाब, यहाँ पे भगार लगाया जा रहा है कड़ी के लिए। आप भगार लगाएं जब तक ये चावल जो है मैं डिश आउट कर लेती हूँ, थोड़ी हेल्प कर लूँ आपकी। चलें जी। अच्छा, ऑयल कितना ले रही है इसमें? अच्छा, ये होता है कि भगार में ऑयल इतना एक्स्ट्रा हो जाता है जी, कि वो फिर तेल ही तेल ज्यादा आ रहा है। अपने अंदाजे से, जितने आपने कुक की है उतने अंदाजे से आप। अच्छा, अंदाजे से जी, बिल्कुल सही। चलें, मैं जब तक यहाँ पे चावल जो है वो डिश आउट कर लेती हूँ जी। पहले आपने प्याज फ्राई करने हैं सही। प्याज कितनी ली है आपने? ये एक छोटी छोटी प्याज है, बिल्कुल छोटी साइज, क्योंकि तड़के के लिए कम। अच्छा, वरना सालन में अच्छा मिठास आ जाती है अगर आप ज्यादा भगार में भी प्याज यूज करें और पकौड़ों के अंदर भी प्याज डाले मैं इसकी वजह से। लेकिन पकौड़े बहुत ही मज़े के बने। हमने रेसिपी कार्ड पर जब हम गए थे तो एक पकौड़े हम लोग टेस्ट कर रहे थे बहुत मज़े के बने पकौड़े। और अभी हम कड़ी भी ट्राई करेंगे। और अच्छा, अभी खाली आप प्याज को हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगी, फिर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अगर हम जीरा और ये चीज़ें डाल देंगे तो वो जलने का खतरा होता है, इसलिए पहले प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने दें, उसके बाद आप ये चीज़ें ऐड करें। सही। ये देखें जना, हमारा जो है लंच तो तैयार हो गया, हमारा खाना तैयार हो गया और कितना क्विक हुआ है, और कितना क्विक हुआ है। अब ये देखें कड़ी कितनी आसानी से और कितनी झटपट बनी है जी। जो वर्किंग वुमेन हैं, जो खावातीन जॉब करती हैं और चाहती हैं घर में अच्छे मज़ेदार खाने बनाएं, जिनके चटोरे हैं, जिनको चटोरे हैं, सही बात है, दिल करता है, दिल करता है कड़ी और देसी ये खाने का। कड़ी बनानी है भाई, आपके पास टाइम नहीं है, आप सुबह ऑफिस से आए, थके हारे आए, हिम्मत ही नहीं होती बनाने की। तो आप देखें कितनी क्विकली ये बन गई है कड़ी। आई डोंट थिंक सो कि किसी रेस्टोरेंट में टेक अवे भी कड़ी भी मिलती है, वो फिर टेस्ट नहीं आता। आई थिंक घर की कड़ी का जो टेस्ट होता है वो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, या ऑर्डर भी नहीं कर सकते। सही बात है, ये भी बात भी सही है। चलें, बस अभी हम वेट करेंगे भगार लगाने का और फिर डायरेक्ट हम इसको डिश आउट करेंगे जी। अब इस भगार के लिए हम इसमें जीरा भी डालेंगे। सही, जीरा भी आपने अंदाजे से डालना है। सही, ना ज़्यादा डालना है ना कम डालना है। आपको साबुत गोल मिर्च चाहिए? जी, साबुत गोल मिर्च और कड़ी पत्ता। सही। अच्छा, आप ये देखिए कि भगार के लिए प्याज पूरी ब्राउन नहीं कर रही हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ऐड कर रही हैं चीज़ें, ताकि प्याज जले भी ना जी और तमाम चीज़ें फ्लेवर भी अपना जो है वो रिलीज कर, क्योंकि जीरो को भी एक टाइम लगता है थोड़ा सा डिजॉल्व तेल में फ्राई होने में। अच्छा, ये मसालों का भी, इनका जीरे का, इनका सबका अपना एक अरोमा होता है, अपने टेस्ट होते हैं, कितनी अच्छी आती है। और आप जिसको ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो अपना एक ऑयल जो रिलीज करते हैं, जो अरोमा रिलीज करते हैं, उससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। वाओ, ये देखिए जनाब,
जबरदस्त, कितना खूबसूरत कलरफुल लग रहा है और ये करी लीव्स आपके। अच्छा आपको पता है मैंने तो अपने घर में कड़ी पत्ते का जो पौधा लगाया है जबरदस्त, वो तो आपको फ्रेश उसी वक्त तोड़ा और डाल दिया, उसी वक्त ही तोड़ा और इतनी उसकी खुशबू ही अलग होती है, बहुत अच्छा। हरा धनिया पुदीना ये तो घर में लगा के रखे, ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि आपने घर में लगाया, मैंने घर में लगाया है, लोगों को मिलता ही नहीं है कड़ी पत्ता, तोड़ के भी लेके चले जाते हैं बाहर से, तो तब उनको कहती हूँ मालिकों की भैया अंदर लगाए हर धनिया पुदीना अंदर गमले में लगाए और ये कड़ी पत्ता तो बाहर लगाया हुआ है, वो नहीं लोग तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाए किसी को कि किस घर में कड़ी पत्ता लगा हुआ है, तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। वाकई ये रेडी हो गया है हमारा, बस अभी थोड़ा सा मैं और इसको ब्राउन करूंगी प्याज को, फिर डायरेक्टली मैं अच्छा मैं बघार इसी में डायरेक्ट डालना चाहूंगी, मैं डिश आउट जी बिल्कुल आप डिश आउट कर ले ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं हेल्प करती हूँ। और ये देखें जनाब मजेदार सी कड़ी, वाह वाह वाह। अच्छा ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई, हम जो बात कर रहे थे मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखें कंसिस्टेंसी देखिए जी, और थोड़ी रात तक अगर इसको आप रखेंगे तो ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी, और थोड़ी अभी ठंडी होगी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी ये, तो चलें इसको हम डिश आउट भी कर लेते हैं साथ के साथ। अच्छा पकौड़े भी देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये देखें चम्मच पानी से ही टूट जी, तो ये देखें तो आपने ब्रेक में खा के देखे हमने वो खा के भी देख लिए और आपको दिखा भी रही हूँ मैं कि देखें देखें अक्सर लोग जो देख रहे हैं हमें टीवी पे वो ना टेस्ट कर पाते हैं ना देख पाते हैं, तो उनको कहते हैं यार इतनी जल्दी कैसे बन गई, पकोड़े हार्ड रह गए होंगे और ये हो गया होगा, तो मैं दिखाना चाहती हूँ उनको कि जी ऐसी बात नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, आप देखिए इस चीज़ों के पकोड़े भी सॉफ्ट हैं और कड़ी का टेस्ट भी अच्छा है, कंसिस्टेंसी भी चेक करें कि कच्ची नहीं निकाली है हमने, ये पक गई है। चलें जी अब इस पर भगार लगाएंगे, इसके ऊपर मैं यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सा टिश्यू से क्लीनिंग भी कर जी थोड़ी सी वो यहीं नहीं आया हम ताकि बार बार इसको हमें हटाना ना पड़े, मैं वहीं पर ही डाल दूँ? हाँ यहीं पर या भगार डाल दीजिए, पहले आप साफ़ कर लें या मैं? आप डाल दें मैं साफ़ कर लूँगी। चलें जी और ये ज़बरदस्त, ये जो आता है ना ओह ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत लग रहा है, क्या खुशबू भी एकदम से कितनी जबरदस्त आई है ना, कड़ी पत्ते की खुशबू है हाँ, जो कि होता ही कड़ी के लिए है, जो कि होता ही कड़ी के लिए है। और ये देखिए जनाब ये देखिए हमारी मजेदार सी कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, कितनी क्विक बनी, कितनी आसानी से इसका बनी, नाम झटपट कड़ी भी रख सकते हैं, झटपट कड़ी भी रख सकते हैं आप, और गरम गरम चावल और गरम गरम कड़ी आपके सामने हो तो आप कैसे खुद को रोक सकते हैं, कैसे रिजिस्ट कर सकते हैं, मेरी समझ नहीं आ रही क्योंकि हम रिजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पर, तो बस आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी क्योंकि इतने मज़ेदार सा खाना जो आपके सामने हो और खुशबू पूरे स्टूडियो में फैली हुई हो, तो बस फिर अब शो कंटिन्यू नहीं हो सकता, लेकिन फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी में, एक नए एपिसोड के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अच्छा खाएं, सेहतमंद खाएं और लाइफ को एंजॉय करें, एंड स्टे हैप्पी, लिव हैप्पी, बी हैप्पी, लव हाफिज़।